हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा दोस्तों छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसेस तथा तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा साथ ही आप इसके सिलेबस का ऑफिशियल पीडीएफ जॉबसरोम से डाउनलोड कर लें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दें अन अकेडमी द्वारा अल्टीमेट जनरल स्टडीज बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए इसमें आपका फुल सिलेबस कवर किया जाएगा के टॉप एजुकेटर्स द्वारा साथ ही टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और उसका एनालिसिस करके वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और स्टडी मटेरियल का पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट के डाउट क्लियर किए जाएंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी जाएगीडमी द्वारा अभी तीन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं पहला बैच आपका अल्टीमेट जीएस सिक्स मंथ बैच है जो की तैयारी के लिए स्टार्ट किया जा रहा है वहीं पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दो के लिए अल्टीमेट जीएस वन ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023 के लिए अल्टीमेट ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है अगर आप यूपीएससी की आप उस लिंक पर क्लिक करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने इस तरह का प्राइसिंग टेबल खुल के आ जाएगा और सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करें जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लगभग से सात हजार तक का डिस्काउंट मिलेगा तो टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट करें तो सबसे पहले, तो सब पहले हो 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 इंटरव्यू होगा अगर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा इसमें दो पेपर होंगे दोनों पेपर आपके कंपल्सरी होंगे और इसके लिए आपको दो घंटे का समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जनरल स्टडीज का होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर का होगा इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें मार्किंग होगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए लिए नंबर काट जाएंगे वहीं पर सेकेंड क्वेश्चन पेपर की बात करें जो की एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा इसमें भी सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो की दो नंबर के होंगे और इसको हल करने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए वन थर्ड नंबर काट लिए जाएंगे अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम तैतीस परसेंट नंबर लाने होंगे वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए केवल तेईस परसेंट नंबर लाना अनिवार्य है अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेन्स एग्जामिनेशन में बैठना होगा मेन्स एग्जामिनेशन में टोटल सात पेपर होंगे पेपर वन जो है आपका लैंग्वेज का होगा जो की दो नंबर का होगा और पेपर टू जो है आपका एसे का पेपर होगा ये भी दो नंबर का होगा इसके लिए तीन घंटे का समय दिया जाएगा थर्ड पेपर आपका जर्नल स्टडीज वन का होगा और फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज सेकेंड का होगा वहीं पर फिफ्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज थर्ड का होगा और सिक्स पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज फोर्थ का होगा और सेवन पेपर आपका जनरल स्टडीज फाइव होगा मेन्स का टोटल एग्जाम जो आपका चौदह नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर के लिए तीन घंटे का समय दिया जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू और पर्सनलिटी टेस्ट होगा जो की एक नंबर का होगा फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेन्स के एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़कर बनाई जाएगी यानी कि 1550 नंबर से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और अगर आप डिटेल में इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस टीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद